गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं और टुडे एट क्लिक हाजिर है आपके सामने 19 अक्टूबर का एडिटोरियल लेकर। सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस में कौन कौन से आर्टिकल आज यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आए हैं। पहला आर्टिकल जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इस आर्टिकल में हम लोग न्यूट्रिशनल चैलेंज को देखेंगे और हम लोग इस आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो पॉलिसी होना चाहिए और खास करके एग्रीकल्चर पॉलिसी जो होनी चाहिए, वो पॉलिसी क्या सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाने पर ध्यान होना चाहिए या फिर ऐसे क्रॉप्स को उगाने पर हमारी जोर होनी चाहिए जो कि क्रॉप जो है न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से भी अच्छी हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस पूरे आर्टिकल में देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आप एक क्वेश्चन भी आपको अटेंड करना होगा जो आर्टिकल के एंड में आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि हम लोग इसमें देखेंगे डिजिटल डिवाइड के बारे में। ये डिजिटल एरा में जो हर देश जो है अपने मतलब अपने तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और जो है यूनाइटेड स्टेट हो गया, चाइना हो गया और इंडिया भी है, तो इंडिया का पोजीशन कहां हम लोग देखते हैं इस डिजिटल एरा में, इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम लोग चाइना की ग्रोथ से जो है इंडिया को कंपेयर करने की इस आर्टिकल में कोशिश करेंगे और इससे भी रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो आर्टिकल के एंड में आपको मिलेगा। तो ये दो आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। साथ ही साथ मैं आर्टिकल में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं बता दूं कि जो भी ये आर्टिकल डिस्कस हो रहा है इसके पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो जो कि t.me/today@click है। और साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है या फिर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो वीडियो में तो आप मुझे मेल कर सकते हो मेरे मेल आईडी पे veer.essb@gmail.com। कल जिनके भी आर्टिकल आंसर आए हैं उनके मतलब जो मैंने पहले क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर मैं नहीं दे पाया, ये नवरात्रि की वजह से मैं 9 डे फास्ट पे था तो मेरी थोड़ी एनर्जी लो है और मेरी वॉइस भी आज सही में भी नहीं निकल रही होगी, तो यू विल बी हैव टू बियर माई कैकोफोनिक वॉइस फॉर सम मोमेंट, फॉर सॉरी फॉर बींग दैट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो इंडिया का वन ऑफ द जो फोकस है कि न्यूट्रिशनल आउटकम को बढ़ाना, और न्यूट्रिशनल आउटकम की जब मैं बात करता हूँ खास करके ऐसे बच्चों के लिए, एडोलसेंट्स के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए या फिर वैसी माँ के लिए जो कि स्तनपान करा रही है अपने बच्चों को, तो उनको एक सही टाइप का जो है उनको न्यूट्रिशनल फूड देना। और न्यूट्रिशनल मिशन हम लोगों ने चलाया, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन चलाया, पोषण अभियान भी चलाया और ये सारी चीज़ें हमें दिखाती है कि हमारी जो मतलब पॉलिसीज है वो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बनी होती है, उस पे एक मतलब पॉलिटिकल विल भी दिखता है और फिर टेक्निकल वो मतलब हमारी प्रतिभा भी दिखती है जिसे हम लोग इसमें अचीव धीरे धीरे कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी ये जो गोल नंबर अगर 2 देखो तो वो किस चीज़ों के बारे में बात करती है, ये जीरो हंगर की बात करती है जिसे हम लोग 2030 तक हमें अटेन करना है, अचीव करना है। तो गुड न्यूट्रिशन इज क्रिटिकल, गुड न्यूट्रिशन होना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इसे मतलब डेवलपमेंट डिफिसिट, और ये देखो इस सारी चीज़ों के लिए हमें जो है एक डेवलपमेंट डिफिसिट से मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग इसको हटा सकते हैं। इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड इंप्रूविंग, और जब हम लोग इसको बात करते हैं तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हो गया, लर्निंग आउटकम हो गया, एडल्ट प्रोडक्टिविटी हो गया, स्ट्रेंथनिंग जेंडर इक्वलिटी हो गया। जब हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अगर किसी बच्चे को सही से बचपन से ही भोजन सही नहीं मिला, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिला, जितना पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए उनके भोजन में अगर उन्हें नहीं मिला तो उनका एक ग्रोथ नहीं होता वो सारे तो साथ साथ ही, और इसका सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट नहीं होता कि ग्रोथ नहीं हो रहा, मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, उनका मतलब उनके हेल्थ पे तो वो प्रभाव पड़ता ही है और साथ ही साथ वो एक लर्निंग आउटकम पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी प्रभाव पड़ती है और जो है कि एक जेंडर इक्वलिटी जो स्ट्रेंथन करने की हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि मतलब रेशियो हमेशा इक्वल रहे मेन और वुमेन का, तो वो सारी चीज़ें भी इस चीज़ों से इम्पैक्ट होती हैं। तो एक छोटी सी चीज़ और छोटी मतलब जिसे हम लोग छोटी समझते हैं वो छोटी सी चीज़ है नहीं, लेकिन हम लोग अगर अपने क्रॉप्स के न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर लें तो ऑब्वियसली इतने सारे चैलेंजेस को हम लोग एक साथ मीट कर सकते हैं। देखो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज एक्सट्रैक्टली लिंक्ड टू द फूड एंड एग्रीकल्चर। देखो न्यूट्रिशन जो सिक्योरिटी है बताया जा रहा है कि ये डायरेक्टली किस चीजों से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन की जब हम बढ़ाने की बात करते हैं तो वो फूड से रिलेटेड होता है, और फूड कहां से मिलेगा, हम एग्रीकल्चर से ही मिलेगा, खेती से ही मिलेगा, लेकिन जब हम लोग एग्रीकल्चर के यहां पर उस पर सीधा इंपैक्ट उस पर पड़ता है, लेकिन हमारे जो स्कीम होते हैं, जो अभियान होता है, ये जो न्यूट्रिशनल अभियान है उस अभियान में हम लोग एग्रीकल्चर की कभी बात ही नहीं करते, एग्रीकल्चर को हम लोग एक्सक्लूड करके रखते हैं। इट लाइन विद द जीरो हंगर विजन, जब हमारा जीरो हंगर का विजन है तो हमें जो है फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन का है वो भी हमें मदद कर सकता है, हमारे जो भी मिशन है नेशनल
जो हम लोग न्यूट्रिशनल मिशन चला रहे हैं, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, और वो कैसे मुझे मदद कर सकता है। वो मदद यूं कर सकता है कि जिस चीज़ों को हम आज तक एक्सक्लूड करके रखे अपनी पॉलिसी से, खास करके एग्रीकल्चर को, उस चीज़ों को, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने में हमें मदद कर सकता है, उसे इंटेंसीफाई करने में हमें मदद कर सकता है, और वो एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम को जो है एक न्यूट्रिशनल बनाने में मदद कर सकता है, उसको क्लाइमेट रेजिलेंट बनाने में मदद कर सकता है, और सोशली इकोनॉमिकली वाइबल ऑफ द साइमल्टेनियसली, मतलब जो टेक्निकल टर्म है इसका मतलब ये है कि वो जो ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, वो हमारे मिशन को अचीव करने में हमें मदद कर सकता है। और वो कैसे मदद कर सकता है, सबसे पहली बात कि वो हमें एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने में, मतलब एग्रीकल्चर जिस चीज़ों पर आज तक हम जो इम्पैक्ट सिर्फ डालते रहते हैं, जो हमारी सोच की ये बन गई है कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या कि अगर एक हेक्टेयर में कल हम लोग 20 टन अगर यहाँ पर उपजा रहे हैं तो कल के डेट में जो है उसी एक हेक्टेयर में हमें 25 टन उपजाना है। तो हमारी जो सोच है सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी पे फैल गई है, लेकिन इस चीजों की मदद से जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, प्रोडक्टिविटी तो हमारी बढ़े ही बढ़े, लेकिन प्रोडक्टिविटी के साथ साथ उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। और वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए वो सेंसिटिव होनी चाहिए, सेंसिटिव इन द सेंस क्लाइमेटिक रेजिलेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बार जो है अगर ड्रॉट आ गई तो हम लोग उसको उपजा नहीं सकते, इस बार बारिश ज्यादा हो गई तो उसको उपजा नहीं सकते। और सोशली इकोनॉमिकली वायबल की बात ये हो गई कि जो हम लोग अगर न्यूट्रिशनल क्रॉप अगर उपजाएंगे तो वो जो क्रॉप्स है वो गरीबों को भी खरीदने में वो सक्षम हो। ऐसा नहीं कि अगर हम जो है न्यूट्रिशनल क्रॉप अगर उपजा लिए तो वो मतलब अमीर लोग खरीद रहे हैं, जाकर वो रिलायंस फ्रेश से जाकर खरीद रहे हैं, अमीर लोग वो न्यूट्रिशनल चावल खरीद रहे हैं और गरीब लोग जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वो नॉर्मल चावल खरीद रहा है। तो वैसी भी सर्कमस्टांसेस हमारे देश में पैदा नहीं होनी चाहिए कि वहां पर फिर एक स्टैंडर्ड बन जाए। तो हमें जो है इस चीजों को ध्यान देना होगा। एंड फॉर लॉन्ग द एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस ऑन द इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। हमने आपको बताया कि हमारा जो फोकस आज तक है किसी चीज पर है, फूड के प्रोडक्शन पे। ग्लोबली देखो लगभग 821 मिलियन पीपल है जो कि आर अंडर नरिशमेंट के शिकार है, और उसमें से 196 मिलियन जो है वो इंडिया में बिलोंग करते हैं। और इंडिया देखो सिर्फ अंडर नरिशमेंट की बात नहीं है, ये माल न्यूट्रिशन के डबल बर्डन को झेल रही है। डबल बर्डन की एक बात कि एक और जहां पर इंडिया में बहुत लोग भूखमरी के शिकार है, वो मतलब अंडर वेट है, उनकी ग्रोथ सही नहीं हो रही है, और वहीं दूसरी लोग एक ऐसे तबके के भी लोग हैं जो ओबेसिटी के शिकार हैं, जो कि ओवरवेट हो गए हैं, वो मतलब शुगर की बीमारी हो गई या फिर उनको डायबिटीज की बीमारी हो गई। तो ये दोनों ही चैलेंजेस हमारे पास एक साथ उभर कर आए हैं, और इस चीजों को हमें जो मतलब पार पाना है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाकर ही कर सकते हैं। आप देखो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि आपके जो घर में ही आपकी जो दादा दादी हुआ करते थे उनसे कभी आप बैठकर पूछो कि वो मतलब कितनी रोटियां खा लिया करते थे, वो आपको बताएंगे कि 7-8 रोटियां और सब्जी, ये सारी चीज़ें, दूध जो है वो 1 लीटर 2 लीटर, घी मट्ठा, वो सारी चीज़ें वो पिया करते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर आप 4 रोटी से ज़्यादा खा लेते हो, आपके जो डाइटिशियन है 3 रोटी खाना है, 2 रोटी खाना है, घी नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सारी पाबंदियाँ आज हम पर लग गई हैं। और अगर आप इस चीज़ों को नहीं भी मानते हो तो आपको फिर वही शुगर, डायबिटीज, ओवरवेट, ये सारी चीजों का शिकार होना पड़ा था। इसका आखिर कारण क्या है, इसका जो कभी आपने आंसर ढूंढने की कोशिश की है? इन 2017-18 जो हमारा, हम जो है इसके प्रति आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। 2017-18 में देखो हमारा मिल्क प्रोडक्शन जो है ये बढ़ गया लगभग कितना, 1980 में जो हम लोग 35 मिलियन टन अगर हम लोग मिल्क प्रोड्यूस कर रहे थे, तो आज हम लोग 165 मिलियन जो दूध जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया रैंक जो हो गया फ्रूट्स और वेजिटेबल में वो कितना है, वो सेकेंड नंबर पर आफ्टर चाइना। और यही एक सही समय है जो कि जब हमारी जो ग्रोथ है इतनी अच्छी चल रही है, जब हमारी प्रोडक्शन इतनी अच्छी है, तो उस प्रोडक्शन को हम लोग जो है उसको ज्यादा न्यूट्रिशनल बनाएं। द पोषण अभियान एडवोकेटिंग द ट्रिपल ए, और ये जो पोषण अभियान की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये ट्रिपल ए की बात करती है। ट्रिपल ए का मतलब क्या हो गया, हमारे तीन ऐसे जो जैसे आशा हो गए, आंगनवाड़ी के वर्कर हो गए और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, और ये तीनों हमें बहुत मतलब अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों मतलब फैक्टर्स है, ट्रिपल ए के जो फैक्टर है, इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किनके साथ होता है, स्मॉल होल्डर और फार्मर्स के साथ होता है। ये अगर हम इन लोगों को, आशा के और फिर आंगनवाड़ी के लोगों को या फिर ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ को अगर हम लोग एजुकेट करें, उन्हें बताएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समझाएं और लेटेस्ट क्या इंप्रूवमेंट आ रही है एग्रीकल्चरल के सेक्टर में और कैसे हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हम इन्हें समझाएंगे तो ये जाकर अपने लोकल फार्मर्स को भी लोगों को बताएंगे। FAO सपोर्ट कैन हेल्प द फॉस्टर रिसर्च, और FAO की मदद से
फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, ये हमें रिसर्च भी करने में मदद कर सकती है और हमारे जो भी हमारी पोटेंशियल है उसको इन्हेंस करने में मदद कर सकती है। एग्रीकल्चर इज नॉट मेरली एन एक्टिविटी टू मेक फूड, और ये बातें हमें समझनी चाहिए कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पर ये नहीं है कि हमें सिर्फ फूड उपजाना है, हमें सिर्फ क्रॉप्स उपजाना है, हमें वैसे क्रॉप्स को उपजाना है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी हो। मैं आपको बात कर रहा था क्योंकि मेरी जो है न्यूट्रिशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में थोड़ी इंटरेस्ट ज़्यादा रहती है, तो मैं आपको दो तीन खास करके टुडे एट क्लिक के जो व्यूअर्स हैं, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने भी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि ये जो हेल्थ है यही आपके साथ लास्ट मोमेंट तक रहेगा। कल को हम और आप क्या करेंगे ये मतलब नहीं रखता, लेकिन देखो ये हेल्थ है, आपका समय अच्छा हो बुरा हो लेकिन ये हेल्थ आपका हमेशा साथ निभाएगा। और कुछ चीज़ें अगर मैं आपको बोलूँ, आप इम्प्लीमेंट करके देखो, एटलीस्ट 21 डे इम्प्लीमेंट करके देखो, आप अपने हेल्थ में कुछ चेंजेस पाओगे। सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद कभी भी कॉफी हो गया, चाय हो गया, सिगरेट हो गया, इस चीजों का मतलब यूज मत किया करो। मॉर्निंग में उठने के साथ अगर आप ओबेस हो, अगर आप मतलब थोड़ी मोटापा ज्यादा है, वेट आपकी ज्यादा है, तो आप रात में जो है कुछ किशमिश के 10 और 15 दाने फुलाकर रख दिया करो और उसे मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के साथ फ्रेश होकर उसे सबसे पहले खाओ। और वैसे व्यक्ति जो कि अंडर एज है, जो कि मतलब एलर्जी नहीं है उनको फ्रूट से, सीजनल फ्रूट से, वो लोग सुबह उठकर एटलीस्ट 2 केले खाया करो, खाली पेट खाया करो। और दूसरी चेंजेज आप अपने हेल्थ में इस चीजों को लाओ कि मतलब शाम में 7 बजे के बाद कोशिश करो आप भोजन नहीं करो। इस चीजों को आप 21 डेज तक इंप्लीमेंट करके देखो, आपकी जो है मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आपको पढ़ने में लेथार्जिक लगती है तो ये सारी चीजें आपकी चेंज हो जाएगी और आपका हेल्थ आप मतलब हल्का महसूस करोगे, चीजों को इजिली ग्रास्प करने की कोशिश करोगे। कभी और मौका मिला तो मैं आपको पूरे बेसिस पे मतलब हेल्थ के लिए बताऊंगा, और ये हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है। आप अगर कहीं भी जाकर YouTube में पढ़ो कि केला को मतलब वेट घटाने में यूज कर सकते हैं, वहां पे आपको 50 आर्टिकल मिल जाएगा। आपको केला से रिलेटेड गूगल में कभी सर्च करो क्या ये वेट बढ़ाने में मदद करता है, वहां पे आपको 50 आर्टिकल मिल जाएगा। तो आदमी कंफ्यूज हो गया कि आखिर सही इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है। और वास्तव में बात यही है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे दादा जो होते थे, हमारे जो पूर्वज होते थे, वो लोग मतलब ऐसे हो गए 10 रोटी 15 रोटी घी खाना, दूध खाना, ये सारी चीजों से जुड़े हुए थे, लेकिन आज हम लोग उसी चीजों के लिए रेजिलेंट होते जा रहे हैं। आप देखो ग्लूटेन फ्री का कॉन्सेप्ट आ गया, डाइट्री मतलब ग्लूटेन टॉलरेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, डाइट्री टॉलरेंट बोलते हैं, ये बहुत सारी ऐसी ऐसी टेक्निकल टर्म आ गई और लोगों को बोला जाता है कि आपको मतलब गेहूं नहीं खाना, आटे नहीं खाने, आपको दूध नहीं पीना, दूध के प्रोडक्ट नहीं। अभी विराट कोहली का मतलब अभी रिसेंट में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने वो बता रहे थे कि हम वेगन हो गए। वेगन इन द कॉन्सेप्ट क्या है, वेगन का कॉन्सेप्ट यह है कि आप एनिमल से बने हुए कुछ चीजों का यूज नहीं करोगे। ये सिर्फ मीट और अंडे तक सीमित नहीं रहती, ये एनिमल के बने हुए दूध का भी प्रोडक्ट आप यूज नहीं करोगे, घी भी यूज नहीं करोगे। तो ऐसे ऐसे नए नए मार्केटिंग के दौर में आदमी खुद को कहां खरा पाए, ये लोगों को समझनी चाहिए। और आप अपनी हेल्थ और अपने माता पिता के हेल्थ की ध्यान रखा करो। ये देखो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन अटेंड करने की, इंडिया सफर फ्रॉम अ ह्यूज माल न्यूरिशमेंट प्रॉब्लम which in turn is related to the number of factor. Discuss the initiative taken by the government to address the issue. आपको 250 वर्ड में इसके आंसर को लिखना है और आप कोशिश करो इसे लिखने की और एक अच्छे नोट्स प्रिपेयर करने की। नेक्स्ट आर्टिकल में पहले बढ़ूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये देखो जो ये जो लोकेशन है ये मकाऊ है, और ये जो लोकेशन है क्या है, ये जो लोकेशन है ये हांगकॉन्ग है। बीच में आप जो देख रहे हो क्या है, बीच में जो है ये सिर्फ पानी ही पानी है। अब जब चाइना की बात करूँगा तो ये जो बीच में एक ब्रिज बनाई है, ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ये ब्रिज बनाई है, और ये ब्रिज जो है बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस ब्रिज होगी। तो इस चीजों के पहले हम लोग जब इंडिया की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भगवान राम ने इंडिया से मतलब वो ब्रिज बनाकर श्रीलंका तक गए थे, और लेकिन वो सारी चीजें इतनी पुरानी हो गई, क्या हो गई, लेकिन आज के प्रेजेंट के टाइम में जो है चाइना इस चीजों को सच करता हुआ दिख रहा है। अब हम लोग आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो तो ये अभी बोला जा रहा है, इस आर्टिकल को जो लिखे हैं बोलते हैं कि एंड ऑफ द डिजिटल हिस्ट्री, ये एक डिजिटल हिस्ट्री का इसे अंत मान रहे हैं। और ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मतलब एक समय था जब बोला जाता था कि लिबरल इंस्टीट्यूशन बिकम यूनिवर्सल। ये लिबरल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, लिबरल वैसे लोग होते हैं जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी भी कही जाती है कि लिबरल, तो लिबरल का मतलब वो होता है कि जो कि चेंज को इजिली अडॉप्ट करते हैं, मतलब हर चीज को मतलब अपने कट्टरवादी चीजों को वो रोक कर नहीं रखते, वो हर चीजों को चेंज के दौर से देखते हैं और उनका मतलब सोच होता है कि हम जो है अडॉप्टिव तो चेंज है, तो वो लोग लिबरल कहलाते हैं। तो लोग कहते थे कि एक लिबरल इंस्टीट्यूशन जो है यूनिवर्सल बन जाएगा, लेकिन
ऐसा हुआ क्या, वन कुड से वी हैड रिच टू द एंड, इसका समाप्ति हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यूएसएसआर जो है वो फॉल कर गया, वो उसका पहले कितना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, है ना। यूनाइटेड किंगडम जो है वो सबसे बड़ी, वो यूनाइटेड किंगडम मतलब जो आज हम लोग ब्रिटेन कह रहे हैं, वो इंग्लैंड का मतलब सूर्यास्त ही कभी नहीं होता था, उसका इतना बड़ा एम्पायर था, लेकिन आज वो छोटा रह गया है, वो यूनाइटेड स्टेट के नीचे काम करता। तो ये सारी चीज़ें को देखने के बाद हम लोग इसको जब हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, वो हमारी प्रोडिक्शन कहीं ना कहीं सही हो गई। अब हम लोग डिजिटल एरा में देखो कि लेट्स फर्स्ट टेक क्विक टूर टू द वर्ल्ड्स डिजिटल टोपोग्राफी। डिजिटल एरा का एंड क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि अभी डिजिटल एरा चल कैसे रहा। तो यूनाइटेड स्टेट नो डाउट अभी जो है सबसे मतलब पिनाकल पर है, वो शिखर पर है जो भी डिजिटल इनोवेशन की बात होती है। जहां तक बात यूरोप की होगी, तो यूरोप जो है वो हमेशा अपने हेल्दी मतलब हिस्ट्री को हमेशा वो रेस्पेक्ट करता है, और यही रेस्पेक्ट की मदद के कारण ही देखो आज भी वहां पर किंग और फिर क्वीन का कॉन्सेप्ट है, और उनको मतलब भले ही इज्जत देने के लिए सही, लेकिन किंग और क्वीन वहां पर होते हैं, और अर्ली सॉरी किंग और किंग नहीं तो एटलीस्ट प्रिंस तो होते हैं। और अर्ली मूव विद अ डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, और अभी मतलब यूरोप में हमने को नहीं क्या देखा कि डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क जो है सबसे पहले यूरोप ने लाया, और वो अपने डेटा को हर अपने सिटीजन्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो दिखाए हम कटिबद्ध हैं। एट द अदर एंड ऑफ द प्लैनेट चाइना हैज पीपल एंड लॉट्स ऑफ देम। इन सब के बीच यूनाइटेड स्टेट है, यूरोप है, लेकिन एक तरफ कौन है, चाइना है, और चाइना के पास क्या है, पीपल है। पीपल मतलब एक दो नहीं है, मिलियंस ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग वहां पर पाए जाते हैं। एंड दिस डेटा इज डिजिटल फ्यूल टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो गया, जिसे हम लोग एआई कहते हैं, मतलब वो इतनी डेवलप होती है, जैसे रोबोट होता है, रोबोट को अगर आप कुछ चीजें बोलते हो तो वो उस चीजों को आपके ऑर्डर को फॉलो करता है। तो वो उस चीजों को कैसे करता है, जैसे कि आप कुछ चीजों को चैट करते हो व्हाट्सएप पे, तो आप जैसे लिखते हो हाउ आर यू, तो उसका रिप्लाई मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा आ सकता है, या तो मैं अच्छा नहीं हूं, या मैं बुरा हूं, या मैं बहुत गलत फेज से गुजर रहा हूं, तो ऐसे 5-6 उसके आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो वो जो 5-6 जितने भी आंसर्स बन सकते हैं, उस सारे आंसर्स को क्या किया जाता है, पहले स्टोर किया जाता है, ठीक है। इस आंसर्स को स्टोर करके क्या जाता है, उसे फीड किया जाता है इस रोबोटिक्स के मतलब चिप में, और ये रोबोटिक के चिप में ये सारी चीजें उन्हें आंसर पता होती है, और जब आप उससे रिलेटेड उससे कुछ क्वेश्चन आप पूछते हो तो उसका आंसर इसके ही अकॉर्डिंग देता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसको इतनी हम लोग इंटेलिजेंट बना देते हैं। जैसे कि आप कभी मॉल में जाते हो, मॉल में जाने के बाद क्या होता है, आप जो एस्केलेटर लगी होती है वो रुकी हुई होती है, लेकिन एज सून एज आप उसके नजदीक पहुंचते हो, वो एस्केलेटर अपने आप ऑन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके स्टेप्स को, आपके फुट स्टेप्स को, उसके वाइब्रेशन को वो समझ जाती है, और वो वाइब्रेशन को समझने के बाद उसमें वो उसके चिप वो समझ जाती है कि जब ये पर्टिकुलर मोमेंट पे, पर्टिकुलर साउंड पे कोई चीजें वाइब्रेट करेगी तो हमें किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है, हमें ऑन होना है या मुझे ऑफ होना है। तो ये सारी जो डेटा हम लोग उसमें डालते हैं, वो डेटा कहाँ से डालते हैं, ये डेटा हमसे ही जाता है। ये डेटा जो हम लोगों ने अभी जैसे मैंने बताया रोबोट में हाउ आर यू का जो 10 आंसर्स हो सकता है, वो 10 आंसर देने वाले कौन है, वो 10 आंसर्स तो देने वाले हम और आप ही हैं। हम हो सकता है मैं बोल दूं कि हाउ आर यू का मतलब फाइन, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति हो हाउ आर यू अगर उससे पूछा जाए तो वो बोलेगा आई एम नॉट डूइंग ग्रेट, ठीक है। तो ऐसे जो आंसर्स होंगे वो हमारे ही आंसर्स लेके वो जो है मशीन में फीड किए जाते हैं। और चाइना के पास एडवांटेज क्या है कि उनके पास जो आंसर्स है वो मिलियंस ऑफ आंसर्स वो बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पीपल है, उनके पास पॉपुलेशन है। तो अब आपके माइंड में आएगा कि सिर्फ चाइना ही ऐसी कंट्री थोड़ी है कि उनके पास इतना ज्यादा पीपल है, इंडिया के पास भी तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इंडिया को क्यों नहीं डिस्कस किया जा रहा। तो अब हम लोग इंडिया के बारे में भी थोड़ी डिस्कस करके देख लेते हैं कि इंडिया के पास पीपल है नो डाउट, लेकिन इंडिया के पास पीपल के साथ साथ क्या है, गरीबी है इंडिया के पास, और क्या है, फोन रेसिडेंट इन द नॉइजी डेमोक्रेसी है। मतलब यहां पर फोन में यूज करने वाले सबसे ज्यादा यूजर्स तो हैं, लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बहुत नॉइजी है। हर एक दूसरे दिन जो है किसी ना किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए यहां पर बंदी होती है, यहां पर जो है एक दूसरे को सरकार गिराने की बात करने लगते हैं। तो ये हमारी डेमोक्रेसी एक नॉइजी डेमोक्रेसी कही जा सकती है। When its e-commerce potential may be mouth-watering for the investor, जब हम लोग e-commerce के potential को अगर देखो, जैसे कि अभी Flipkart का और फिर Amazon का 10 दिन का जो सेल चल रहा था 10 से 15 तारीख तक का, तो हम लोग वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर यूजर्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर लोग खरीदने वाले हैं, कस्टमर्स हैं, तो बाहर के इन्वेस्टर्स को लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है। लेकिन एक चीज़ें हमें समझनी होगी क्या, कि बैलेंस द डिजिटल एम्पावरमेंट एंड डिजिटल प्रोडक्टिविटी, कि हमारी जितनी
पोटेंशियल है, क्या हम उस पोटेंशियल का हूबहू यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस चीजों को हमें बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। अब देखो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो या फिर जो ऑनरशिप ऑफ देयर डेटा, मतलब जो आपकी डेटा है सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो, उसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता, या फिर एक ऐसे स्टैक बनाने की काम, मतलब स्टैक मतलब आप सिंपल समझ लो एक प्लेटफॉर्म जहां पर क्या होगा, वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होगा, जहां पर डेवलपर हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए, कोई प्राइवेट एंटिटी हो गए, या फिर कोई भी सर्विसेज हो गई, हर चीज को वो यूज कर सकते हैं। मतलब आपकी डेटा जैसे है, जैसे अभी हम लोग आधार का ही मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, तो आधार की जो डेटा है, हम लोगों में कंसर्न किस चीजों की उठ रही थी कि हमारा डेटा मिसयूज हो जाएगा, हमारा जो भी हमारे राइट्स हैं, जो भी उस चीजों में हम जो इंफॉर्मेशन हमारे से रिलेटेड है वो सारी चीजों का मिसयूज किया जा सकता है। लेकिन इस सब के बीच हमें ये भी सोचनी चाहिए कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहां पर जो है हर कोई जो है इजिली यूज कर सके और लोगों को उनका डर भी नहीं हो कि उनका मिसयूज हो सकता है, और लोग हमारी जो सिस्टम है वो उतनी ही प्रोडक्टिव है। एज विद द ग्रैंड नेशन वाइड इनिशिएटिव, हाउएवर द एग्जीक्यूशन फेल्स ऑफ द विजन, मतलब हमारा इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा रहता है, हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और फिर मतलब हम इतना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सब कुछ ये यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा विजन है बीच में कहीं ना कहीं खो जाता है। द आइडेंटिटी डेटाबेस हैज नॉट प्रूवन टू बी सिक्योर, और देखो जैसे कि आइडेंटिटी डेटाबेस मतलब आधार की जैसे की बात करूं तो ये भी हम इस चीजों से ही अब तक जूझ रहे हैं। उसका बायोमेट्रिक सिस्टम जब आया तो उसके बायोमेट्रिक सिस्टम के हम लोगों ने सोचा कि हम डिजिटल एडवांसमेंट ले आए अपनी कंट्री में, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, बहुत ऐसे गरीब लोग हैं उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे, मतलब वो पत्थर उठाने वाले लोग, डेली इधर से उधर हल चलाने वाले लोग, उनकी उंगली में मतलब ऐसे कुछ स्कार्स पड़ जा रहे हैं, उसकी उंगली कट जा रही है, और जिस कारण जब वो पेमेंट लेने जा रहे हैं तो उनका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा और उनको पेमेंट ही नहीं मिल रहा है, बैंक वाले बोल रहे आप सही व्यक्ति ही नहीं हो, तो ये सारी चैलेंजेस भी हमारे पास उभर कर आ गई। तो हमारे पास ये क्वेश्चन ये उठता है कि प्राइवेसी और फिर इंक्लूसिवनेस और दूसरी बात प्रोडक्टिविटी, ये तीनों चीज को क्या हम लोग एक साथ हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम जब जिस आधार के डेटा को खोने का डर हमें है, क्या हम उस डेटा को ऐसा रॉबस्ट डेटा बना सकते कि कोई भी अगर हमें टेलीकॉम कंपनी ही हो, मान लो जियो हो, आइडिया हो, एयरटेल हो, उसे भी अगर वो यूज भी करे तो उसका मिसयूज नहीं कर सके, ऐसी हमें पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। फॉर द कस्टमर, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो उनके पास अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इंडिया में, क्यों, क्योंकि आधार को कैसे अगर वो कहीं पर लिंक कर दिए तो उसे डीलिंक कैसे करना है, मोस्ट ऑफ द आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी तक जो है डीलिंकिंग नहीं करवाए होंगे और डेटा अपने डेटा को बहुत जगह वो जो कि ऑलरेडी दे चुके होंगे, तो ये सारे चीज़ों से हमारे कस्टमर जो अभी भी जूझ रहे हैं। तो डू प्राइवेट सर्विस प्रोवाइड अवॉइड सर्विंग दोज फॉर हुम द अल्टरनेटिव आइडेंटिटी प्रूफ आर डिफिकल्ट, तो हमारे सामने ये भी क्वेश्चन उठता है ना कि हम जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला कि ये जो मतलब डेटा है आधार से रिलेटेड डेटा है जिसे मतलब प्राइवेट एंटिटी प्राइवेट कंपनी यूज नहीं कर सकती, तो इसका मतलब हम लोग सीधे तौर पे ये समझे कि ये जो प्राइवेट कंपनी है ये हमारे प्रूफ को अल्टरनेटिव प्रूफ अगर उन्हें हम देने में सक्षम नहीं हो पाए आधार के अलावा, तो हम लोग प्राइवेट कंपनी का जो मतलब जितने भी उनके यूजेज हैं, जितने भी उनके जो भी फैसिलिटीज है, उस फैसिलिटीज को हम लोग लेने के लायक नहीं है, इस चीजों का मतलब तो सीधे तौर पे ये निकाला जा सकता है। और अगर इसका मतलब ये निकलता है तो सीधे तौर पे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो सही मायनों में जो है हमें हेल्प करने वाला नहीं था, और जो हमारे जो चैलेंजेस जिस चीजों से हम गुजर रहे थे उस चैलेंजेस को भी मीट करने में वो सक्षम नहीं हो पाया। एज इंडिया टाइज इटसेल्फ टू द नॉर्थ द कंसीडर द चाइना, और जितना मैंने आपको बताया आप एग्जाम्पल इंडिया के बारे में दिया कि जैसे वो अपने ही चैलेंजेस से वो जूझ रही है, दूसरी ओर अगर मैं चाइना का एग्जांपल लूं तो चाइना किस चीजों की बात कर रहा है, चाइना एक सोशल क्रेडिट स्कोर बनाने की बात कर रहा है, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव सिटीजन डेटाबेस बनाने की बात कर रहा है। आप इसका सीधे तौर पे ये मतलब समझ सकते हो कि जैसे कि आप अगर कॉलेज से जो पास कर रहे थे और आपकी मार्कशीट थी और आपको टीएनपी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट वाला आपको आकर ये बोलता है कि आपके मार्कशीट में अगर जो है आपका 80% से अबव है तो आपको डायरेक्ट जो है कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना होगा, अगर आपको 70-80%
स्टूडेंट है तो आपको क्या करना होगा, पहले एक रिटर्न एग्जाम निकालना होगा। अगर आप 60-70% लाते हो तो जो है आप एलिजिबल नहीं हो। तो ऐसे तीन कैटेगरी में मान लो आपको टीएनपी वाले आपको बांट देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो स्कॉलर्स होते हैं आपके, जो 80% से ज्यादा मार्क्स लाए होते हैं, तो वो लोग डायरेक्ट इंटरव्यू में फेस करते हैं। तो वैसे ही एक सोशल क्रेडिट स्कोर बनाने की बात चल रही है कहां पर, चाइना में। मतलब हर सिटीजन के पास एक ऐसा, उनके पास एक रिपोर्ट कार्ड होगा और उस रिपोर्ट कार्ड ही उनको बताएगी कि आप जो है पर्टिकुलर जगह पर, आपको अपार्टमेंट में कोई रेंट पे रखेगा नहीं, आपको आपका रिपोर्ट कार्ड ही आपको बताएगी कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब करने के लायक हो या नहीं हो। आपकी रिपोर्ट कार्ड ही आपको बताएगी कि आप जो है पर्टिकुलर जगह पर जाकर घूम सकते हो या नहीं घूम सकते हो। तो एक ऐसा सोशल क्रेडिट स्कोर बनाने की बात कर रही है। अब देखो इसके साथ कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब आपके पास एक ऐसा कार्ड बन जाएगा जैसा आप एटीएम कार्ड है वैसा आपके पास सोशल क्रेडिट स्कोर हो जाएगा, तो आप जो है कोई भी गलत कार्य करने की कोशिश ही नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ कि जैसे ट्रैफिक लाइट है, तो मोस्ट ऑफ द लोग अगर वहां पर देखते हैं ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी है तो वो ट्रैफिक लाइट को नहीं फॉलो करते, वो मतलब वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उनके पास एक सोशल स्कोर रहा और मान लो कि आपको, आप जैसे वहां पर क्रॉस करके ट्रैफिक लाइट को और आपका स्कोर जो है वहां निगेटिव हो गया उसी वक्त, मतलब वो डिटेक्ट होते ही, तो आपकी जो जैसे जैसे वो निगेटिव में चलती जाएगी, आप जो है आप एज ए सिटीजन जो उस कंट्री में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज आपकी कर्ब होती चली जाएगी। तो ऑब्वियसली जो ये आपका एक डर होगा और जिस वजह से जो आप कभी ट्रैफिक लाइट को फिर नहीं तोड़ोगे अगर आपके पास ऐसी सोशल क्रेडिट स्कोर अगर आपकी बननी स्टार्ट हो गई। तो इसे बोला जा रहा है कि मे नॉट बी इम्पायरिंग द इम्पायरिंग, ये हो सकता है हम लोग हमारे नज़र में, इंडिया के डेमोक्रेसी की नज़र में हम लोग कहें कि एक इम्पायरिंग नहीं है, मतलब लोगों को बंदिशें लगाई जा रही है, लेकिन आप जो भी बातें कह लो, सिविल लिबर्टीज की, डेमोक्रेसी की, इंडिपेंडेंस की, जो भी बातें कह लो, 10 प्रकार की बातें कह लो, लेकिन उसकी सच्चाई एक बात यह है और वो कटु सच्चाई यह है कि ये प्रोडक्टिव ही होगा हर बात में। मतलब वहां पर पुलिस को हमेशा डंडे लेकर अब खड़ा रहना नहीं होगा, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल करने की आवश्यकता वहां पर नहीं होगी, पुलिस मतलब जो मतलब पुलिस स्टेशन होंगे वहां पर FIR अपने आप कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिटीजन जैसे ही वहां पर जन्म लेगा उसी वक्त से उसे इस बात की डर रहेगी कि हमारा क्रेडिट स्कोर जो है वो खराब नहीं हो जाए। चाइना में सेट अ न्यू स्टैंडर्ड इन द प्राइवेसी प्रोटेक्शन एज लॉन्ग एज यू ओवरलुक द नोशन दैट द स्टेट नोज एवरीथिंग। मतलब इसका मतलब हम लोग जिस चीजों के लिए आज लड़ रहे हैं इंडिया में कि मतलब आधार से रिलेटेड हमने क्या बोला कि आधार का डेटा हम सरकार के पास है, इसका मतलब सरकार को हमारी एक एक मूवमेंट के बारे में पता है, सरकार को हमारी हर चीजों के बारे में पता, इस चीजों के लिए हम लोग यहां पर लड़ रहे हैं। लेकिन देखो उस चीजों को सरकार को सारा इंफॉर्मेशन पता है, हमारी गवर्नमेंट हमारे बारे में हर कुछ जानती है, इसको कैसे इस डेटा को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है चाइना ने हमें सिखाया। और जब हम लोग इसी बात पे कहते हैं कि जब हम लोग इनोवेशन की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट को चाइना बहुत पीछे छोड़ चुका है। और अभी मैंने आपको शुरुआत में ये हांगकांग और मकाओ के बीच का एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जो कि ब्रिज बनाने की बात चल, ब्रिज थी दोनों के बीच में, तो उसका जो और वो जो ब्रिज है तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये लोग बनाने का काम कर रहा है। उनका देखो जो फंडिंग होता है, जो वेंचर फंडिंग है, वो यूनाइटेड से बहुत ज्यादा है। वहां पे जो हर साल अगर यूनाइटेड स्टेट में 5 लाख जो लोग जो है वो यूनाइटेड स्टेट में ग्रेजुएट हो रहे हैं तो लगभग चाइना में 4.7 मिलियन लोग जो है ग्रेजुएट होते हैं। और जब ऑथर की बात करता हूं, जो कि रिसर्च पेपर की बात होती है, तो साइंटिफिक पेपर की जो बात होती है वो हर साल जो है चाइना में और देश के मुकाबले और भी बहुत ही ज्यादा वहां पर प्रोड्यूस होती है। तो इट हैज अ गवर्नमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके पास जो गवर्नमेंट है वो उसकी गवर्नमेंट के पास प्लान है, और वो प्लान कैसा है कि वो हमेशा आगे की ओर देखती है, वो कभी भी पीछे नहीं देखती। यूनाइटेड स्टेट का भी जो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा वो डिसीजंस देते रहते हैं कि मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे, दूसरे कंट्री को धमकाते रहते हैं, इन सब चीज़ों से हटकर उसके जो मतलब प्रेसिडेंट है वो आने वाले समय में वो किस तरीके से डिजिटली हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, डिजिटली हम कैसे हम जो है पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं, इस चीजों पर सोचता है। और सबसे मतलब यूनिक बात यह है कि उसके जो प्रेसिडेंट है उसको इस चीजों का डर नहीं है कि आने वाले समय में जो है वो प्रेसिडेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, उन्होंने तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया और वो जो है आजीवन तक वहां के प्रेसिडेंट भी रह सकते। तो इन सारी चीजों की डेमोक्रेसी से या फिर लोग क्या कहेंगे या फिर क्या चीजें हो रही है अंदर इंटरनल इंक्वायरी, इन सब चीजों से ऊपर उठकर चाइना जो है एक प्रोडक्टिव स्टेट बन चुका है। और इसलिए जो
ऑथर कहते हैं कि डिजिटल प्लेनेट जो है जिस पे यूनाइटेड स्टेट है, यूरोप है, इंडिया है, आर लूजिंग द ग्राउंड टू चाइना, हम लोग चाइना से जो है कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। थैंक यू, आज के डिस्कशन में इतना ही था। उससे पहले आगे बढ़ूँ, आपको एक क्वेश्चन इससे भी अटेंड कर लें कि इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म इन द वेस्ट एंड द राइज ऑफ द न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी पोज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियाज आईटी सर्विस इंडस्ट्री, हाउ शुड इंडिया वेदर दिस चैलेंजेस, इस चैलेंजेस को इंडिया कैसे देखती है, कैसे मीट कर सकती है, आपको एग्जामिन करके बताना है 250 वर्ड में, तो आप इसे भी आंसर लिखने की कोशिश करो। सॉरी आज मेरे वॉइस कुछ सही नहीं आ रहे होंगे, तो इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।